साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं कि अभी बैठक हुई थी, बैठक में पूर्णतया यह डिसीजन लिया गया था कि आपके लिए एक समिति का गठन होगा। समिति के गठन के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि किस प्रकार से आपका अस्थायीकरण होना है। लेकिन अब आपके मन में सवाल था कि क्या इस सरकार के निर्णय के बाद हमारा जो ये प्रदर्शन है ये खत्म होता है या फिर नहीं। फाइनली इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है। आपके संगठन का बयान है, आपको दिखाएंगे कि क्या प्रदर्शन खत्म हुआ है, क्या आपको घर वापसी करना है या फिर नहीं। फिलहाल ये अपडेट आप लाइव माध्यम से सभी साथी देखें। विभाग के सबसे बड़े मुखिया प्रमुख सचिव अभी बहुत जरूरी आए हैं। एमएस सुंदरम साहब से हुई है, उनके साथ सचिव अपर आयुक्त साहब भी थी, आदरणीय हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो भी थे। और एक बड़ी मजबूत बात के बाद आपको पत्र मिला है, अगले सप्ताह कमेटी आपके प्रतिनिधियों को बुला के बात करेगी मानदेय वृद्धि स्थानांतरण। हाँ, एक माह के अंदर तो अगले महीने हफ्ते से प्रारंभ कर देंगे और एक माह के अंदर प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए और उन्होंने बात को महसूस किया है। हमारे साथ भाई विनोद शर्मा जी थे, हमारे साथ आपके तमाम प्रतिनिधि थे, मिश्रा जी थे, अजीत जी थे, वीरेंद्र जी थे, ये चेतन जी थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि निश्चित रूप से आपका मानदेय बहुत कम है और इस पर मैं पहल भी करूंगा और अन्य राज्य सरकारों का जो आपको शासन आदेश दिया है इस पर मैं प्रस्ताव लाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करूंगा। और प्रेषित करने के बाद में आपके मानदेय की वृद्धि, महिलाओं के स्थानांतरण और मूल विद्यालय वापसी पर। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बात और सोच किया कि अभी मानदेय 10,000 मिल रहा है और इतने कम मानदेय जो 10,000 से नीचे लोग पाते थे उनका ईपीएफ बन रहा है, तो आखिर शिक्षा मित्रों का क्यों नहीं। इसको उन्होंने सचिव प्रणाली से कहा कि ईपीएफ की भी व्यवस्था करिए और बाकी बातें जब कमेटी के सामने आप आएंगे निरंतर कमेटी से आपकी बात होगी और उसका हल और समाधान दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने लिखित पत्र जारी कर दिया है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने इस बात को अवगत कराया है। आज के लिए गलत हुआ, ये उन्होंने लिखा है सेवा के निदेशक महोदय ने, सेवा के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा मित्र संघ, संबद्ध राज्य कर्मचारी महासंघ कार्यालय का पता। उन्होंने पत्रांक दिनांक 18 अक्टूबर इतने को डाला उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा मित्र संघ के मांग पत्र दिनांक 18/10/23 के संबंध में। कृपया उपयोग विषय प्रकरण श्री मान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित आपके व अन्य शास्त्रित लोगों के ये तो हमारे पदाधिकारी है माध्यम से मिला है। दिनांक 18 को अवलोकन किया गया है और इसमें इस संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शीघ्र ही शासन स्तर पे समिति का गठन कर विचार विमर्श उपरांत निर्णय की कार्रवाई की जाएगी और ये प्रस्ताव सीधे शासन को से द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें हम लोगों की बात हुई है। अब इसके बाद हम आपसे वही कहना चाह रहे थे कि ये आप विभागीय अधिकारियों से बात हुई है, उचित फोरम पे बात हुई है और इस फोरम पे बात होने के बाद इसमें हमारी जो छोटी मोटी जितनी समस्याएं थी उनके निस्तारण के साथ साथ मानदेय वृद्धि के लिए प्रपोजल शीघ्र ही अन्य राज्यों के भाग बन करके हमारे मुख्यमंत्री जी को जाएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आप सबके साथ होते रहे, इसके लिए आप सबका आभार।